मऊ जिले के चिड़ियाकोट थाना क्षेत्र के सरसेना बाजार में दिन दहाड़े हुई लूट की घटना का पुलिस ने अनावरण कर दिया है। दो लुटेरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरी घटना में 5 लोग संलिप्त थे, जिनमें 3 लूट की घटना को अंजाम दिए थे, जबकि 2 सूचना देने का काम किए थे। अब पुलिस इन लुटेरों को मीडिया के सामने प्रस्तुत करके पूरी घटना का खुलासा किया और लूट के पैसे के साथ साथ 2 लूट के बाइक और उनके आधा कट्टा को भी बरामद किया। सरसेना कस्बे में एक व्यक्ति मोहम्मद इरशाद, जो जनसेवा ग्राहक सेवा केंद्र चलाता था CSP, वो 9 बजे जब अपनी दुकान खोलने गया था, 9:15 के आसपास, तो 3 बदमाशों ने उसकी बैग छीन लिया था इसकी दुकान से। उस बैग में 2 मोबाइल, 1,90,000 रुपये और ATM कार्ड, कई अन्य ज़रूरी कागजात थे। इस पर लूट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस पर हमारी टीम ने काम किया और ये केस आज वर्कआउट हुआ है। इसमें 2 लोग, कुल 5 लोग शामिल हैं, जिसमें 3 लोग लूटने में हैं और 2 लोग रैकी करने में इनकी भूमिका है, सूचना देने की भूमिका इनकी। इसमें जो सीधे शामिल हैं वो सर्वेश त्रिपाठी उर्फ रावण, पंकज यादव और अरविंद यादव, ये 3 लोग सीधे लूट में शामिल हैं और 2 लोगों ने रैकी का कार्य किया, आनंद कुमार और मुलायम यादव। इसमें से सर्वेश त्रिपाठी आज पकड़े गए हैं, उन्होंने पूरी घटना का को स्वीकार किया है। पंकज यादव घटना के दूसरे दिन अपनी जमानत तोड़वा करके हाजिर हो गया और एक जो और इन्वॉल्व है मुलायम यादव, इसकी गिरफ्तारी शेष है। इनके कब्जे से 2 अदद तमंचा, 70,000 रुपये लूट के और कई अन्य दीगर कागजात बरामद हुए हैं। इनके जो लूटी गई मोबाइल एक रिकवर हुई है। इन्होंने घटना को कैसे कैसे किया, पूरी तरह अनावरण किया। कुछ आपराधिक इतिहास है इसमें से? ये जो पंकज यादव है, ये तो पुराना अपराधी है, इसके ऊपर बहुत सारा अपराध है। सर्वेश त्रिपाठी के ऊपर एक अपराध है 379-411 का, और मुलायम सिंह यादव पर भी कई अपराध। मूल निवासी सर कहाँ के रहने वाले हैं? सर्वेश त्रिपाठी गोपागंज के रहने वाले हैं, मुलायम और ये अरविंद यादव। मुलायम तो चिरैयाकोट के हैं और अरविंद यादव रानीपुर के। SP सर ने 20,000 रुपये का इनाम इस पूरी टीम के लिए घोषित किया है।